लड़की पैदा हुई एक गांव में, गांव छोटा सा, बहुत छोटा सा, उसके मम्मी पापा फार्मर। उस लड़की का जो जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ एक घर में जिसके मम्मी पापा किसान। उस किसान के बेटी पैदा हुई, और जब बेटी पैदा हुई किसान के घर, और उस किसान का घर ऐसा था जहां पे दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी, तो दो वक्त की रोटी भी उस घर में नसीब नहीं थी, और किसान केवल फार्मिंग करते थे, और जो मिलता था तो शायद एक या दो वक्त की रोटी कभी उस बच्ची को मिल जाती थी, तो वो ऐसे ही आगे बढ़ी हुई, ऐसी आगे बढ़ी हुई, धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब गांव में थी, गांव में स्कूल, आप में से कितने लोग गांव से आए हैं यहां पे? वंडरफुल। शायद जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये आप ही की है, ये आप ही की है, टेक माय वर्ड। वो बच्ची बड़े होने लगी, क्योंकि गांव के स्कूल आप लोगों को पता है कैसे होते हैं, तो वो गांव के स्कूलों में पढ़ने लगी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। अब जब बच्चे गांव में जो स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां यहां पे भी बहुत सारे पढ़ के आए होंगे, जब वो पढ़ रहे होते हैं तो 12 एक बजे छुट्टी हो जाती है। अब गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज तो होती नहीं, मोबाइल फोन तो सबके पास होते नहीं, राइट, या टीवी या वीसीआर या ये सब चीजें, मतलब इतनी सुविधाएं नहीं होती कि बंदा बच्चा कुछ और करे। तो बच्चे, गांव के बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा जानते हैं, यस और नो, राइट, वो बाहर आउटडोर एक्टिविटीज बहुत अच्छी जानते हैं। अब वो 12 बजे उसकी स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, वो घर जाती थी, खाना वाना जो अब बनाया मम्मी ने, उसने खाया, और वो क्या करे पूरा दिन, तो वो बाहर चली जाती थी। अब दोस्त वोस्त बन गए, अब गांव के लड़के लड़कियां तो बस खेल रहे हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई इतनी ज्यादा थॉट मतलब होता नहीं, तो वो खेलने में ज्यादा विश्वास करते हैं, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है। अब जैसे हरियाणा, आज हरियाणा से हम ज्यादा लोग हैं, तो हरियाणा के तो लोग कबड्डी और कुश्ती में चैंपियन है, राइट, और वो मिट्टी में खेलना जानते हैं ना, वो उठा के देखो आप, तो ये सारे गांव के ही पता चलेगा आपको है, क्योंकि हमारा बचपन वहीं से बीता है, वो कितना बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए ये चीज। तो वो लड़की भी ऐसे ही खेलती रहती थी, तो एक दिन वो खेल रही थी, तो उसे फुटबॉल खेलना पसंद आ गया, तो उसने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। अब वो लड़कियों के साथ फुटबॉल खेलती थी, अब वो फुटबॉल खेलने लग गई, अब फुटबॉल खेलती रही, तो धीरे धीरे चौथी क्लास में पहुंच गई, पांचवी क्लास में पहुंच गई, छठी क्लास में पहुंच गई, और फुटबॉल खेलने लग गई। अब वो फुटबॉल खेलती 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 फुटबॉल में बहुत अच्छी गेम खेलने लग गई, अब वो एट्थ क्लास में पहुंच गई, अब एट्थ क्लास में पहुंच गई, यानी कि तकरीबन 12-13 साल की हो गई। अब वो फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी, तो जो स्कूल था उसमें पीटी का मास्टर भी था, तो वो देखता था ये लड़की बहुत अच्छा खेलती है, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है। तो वो 14 साल की हो गई, यानी कि तकरीबन 9वीं क्लास में पहुंच गई, तो जो पीटी का मास्टर था वो उसके पास गया, उसने कहा बेटा आप एक काम करो, ये खेलना बंद कर दो, आप ये मत खेलो। तो उसने कहा सर क्यों ना खेलूं भाई, क्या वजह है? उसने कहा आप इसमें अपना कैरियर नहीं बना सकते, बट आप में एबिलिटी है, आप में ताकत है, बट फ्यूचर नहीं है। शायद यहां पे जितने लोग बैठे हैं ये बात को रिलेट करें, जो आप काम कर रहे हो उससे, क्या आप काम तो कर रहे हो बट शायद फ्यूचर नहीं है। उस पीटी के मास्टर ने उस छोटी सी लड़की को ये बोला कि आप खेल तो रहे हो, अच्छा खेल रहे हो, बट इसमें फ्यूचर नहीं है। तो जब फ्यूचर नहीं है तो उस काम को करके फायदा क्या? हमें वो काम करना चाहिए जिसमें फ्यूचर ना हो। कोई आप में से यहां पे, मैं किसी को बोलूं यहां गड्ढा खोदो, आप छूटते ही पूछोगे क्यों खोदूं? पूछोगे नहीं पूछोगे? मैं कहूंगा देख लो भाई, पता नहीं कब आप पेट्रोल या पानी निकल जाए। आप मेरे से दूसरा क्वेश्चन पूछोगे क्या 100% श्योर है पानी होगा? मैं कहूंगा मैंने इंजीनियर नहीं हूं, चेक नहीं किया। आप कहोगे फिर बेवकूफ क्यों बना रहे हो दीपक सर? तो आप जिंदगी में बेवकूफ अपने आप को क्यों बना रहे हो दोस्तों? ये क्वेश्चन आप जब मेरे से पूछते हो तो आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते, जो जिंदगी में आप अपने आप को वहां बेवकूफ बना के बैठे हो यहां पे? कि जो काम आप कर रहे हो उसे क्या फ्यूचर? मे बी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बट आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना जरूर है। अपने आप से पूछो, जो काम आप कर रहे हो उसमें फ्यूचर दिख रहा है? बट लाइफ के इतने साल ये क्वेश्चन अपने आप से बिना पूछे हमने निकाल दिए।
ये बिना पूछे और यहां पे बैठे हुए 90% लोग वो काम कर रहे होंगे जो उन्हें पसंद नहीं है, बल्कि 95% ही। और कई तो ऐसे होंगे जिनको किसी ने कहा होगा भाई तू ये कर ले, तो अच्छे उसने कहा होगा ये कर लेता हूं। तो ऐसी हमारी जिंदगी थी। बट उस पीटी के मास्टर ने उस लड़की को बोला फ्यूचर नहीं है। तो उस लड़की ने उनसे पूछा, तो सर आप मुझे देखते हो, मुझे बताओ मेरा फ्यूचर कैसे बेस्ट होगा या किस चीज में बेस्ट होगा। तो उस टीचर ने बोला कि आप एथलेटिक्स में जाओ, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, आप भागो तो एथलेटिक्स में जाओगे तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। उस लड़की ने कहा अच्छा मैं भागना शुरू कर देती हूं। वो 15 साल की उम्र में उस लड़की ने भागना शुरू कर दिया और 18 साल की लड़की जब वो हुई तो उसने 800 करोड़ लोगों को फेलियर का टैग दे दिया। 800 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे, 800 करोड़ लोग हैं तकरीबन 8 बिलियन, 800 करोड़ लोग, और एक अकेली लड़की 18 साल की, उसने कहा ये सब फेलियर है मेरी नजर में। एवरीवन इज अ फेलियर, केवल विनर कौन है? क्योंकि उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस पृथ्वी पे जो 800 करोड़ लोग नहीं बना पाए। 800 करोड़ लोग वो वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना पाए, उस अकेली 18 साल की लड़की ने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 1 साल 5 गोल्ड मेडल भागने में, 1 साल 5 गोल्ड मेडल भागने में। और मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन हिमा दास। जब वो पहली रेस जीती, दूसरी रेस जीती, तो एक रिपोर्टर उसके पास पहुंच गया। रिपोर्टर ने कहा अरे मैडम क्या कर रहे हो, ये कैसे एक के बाद एक रिपोर्ट रेस जीत रहे हो? तो उसने एक लाइन बोली जो मैम ने बोली, उसने कहा इस पृथ्वी पे मेरा कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं, मेरा एक ही कॉम्पिटिटर है और वो कौन है? केवल एक कॉम्पिटिटर है इस पृथ्वी पे जिसका रिकॉर्ड तोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है और वो मैं खुद हूं। कि अगर मैंने 200 मीटर की रेस 10 मिनट में पूरी की थी तो अगली 200 मीटर की रेस मैं 10 मिनट नहीं लूंगी, मैं 9 मिनट कुछ सेकंड जरूर लूंगी। जो मजा अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में है ना दोस्तों, वो किसी और के रिकॉर्ड को तोड़ने में।